मैं अभी हूँ वाइन एचबीएफ स्टेशन पे, जो कि वियना का मेन ट्रेन स्टेशन है, और यहाँ से मैं वियना का फेमस नाइटजेट ट्रेन लेके जाऊंगा स्विट्जरलैंड। मैं आज वियना सिटी टूर कंप्लीट किया, उसके बाद डिनर कंप्लीट करके हॉस्टल से बैगेज लेके वाइन एचबीएफ पे आया। अगर आप वियना सिटी टूर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर में दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल ये खड़ा है मेरा नाइटजेट ट्रेन। ये ट्रेन लेने का कुछ स्पेशल रीजन है जो कि इस वीडियो को देखने पर आपको पता चल जाएगा। Is this 302? 302? कोच नंबर। ट्रेन के हर कोच के सामने आपको टिकट चेकर मिल जाएंगे। अगर कोई भी जानकारी या हेल्प चाहते हैं तो आप बिना हिचकिचाए इनसे पूछ सकते हैं या इनसे हेल्प ले सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल। Which side? 111? 111 is yours. Look at the numbers here. इस ट्रेन में आप अपने पर्सनल केबिन भी ले सकते हैं। नॉर्मली इस ट्रेन में जो केबिन मिलता है वो सिंगल बेड विद बाथरूम, डबल बेड विद बाथरूम, फोर बेड विद कॉमन बाथरूम और भी कई तरीके का होता है। फिलहाल मैं थोड़ा ज्यादा खर्चा करके सिंगल बेड विद बाथरूम वाला केबिन को बुक किया। चलिए आपको केबिन टाइप और उसके फैसिलिटीज भी दिखा देते हैं। ये सिंगल बेड वाला है, इसके साथ कोई बाथरूम दिया नहीं है। ये एक पर्सनल केबिन टाइप रूम है। ये डबल बंक वाला है, इसमें दो बेड है। और कोई बाथरूम नहीं है इसमें। ये कॉमन बाथरूम है। ये मेरा केबिन है, यहाँ पे मैं अपना लगेज रखा हूँ। ये एक्चुअल ऊपर है, डबल डेकर ट्रेन का ऊपर वाला माला है। एक मेरा बेड है, टॉवल दिया गया है, दो हैंगर है, उसके साथ एक बॉडी एंड हेयर जेल है, एक पेन दिया हुआ है, एक मेनू कार्ड दिया हुआ है जो कि ब्रेकफास्ट के लिए है, केचप दिया है, वाइन दिया है, पानी का बोतल दिया है, एक स्लीपर, एक हैंड टॉवल, ये एक कुकी टाइप का है, ईयर कैप दिया हुआ है, सोप दिया हुआ है, वेट टिश्यू दिया हुआ है, ये पेंट्री है, यहीं से हम लोग का ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। A few moments later. Good night. Seven hours later. Good morning. Good morning, friends. मेरा breakfast आ गया है और अभी सुबह का 7:30 हो रहा है। और ब्रेकफास्ट में आपको जो मेनू दिया जाता है उसमें से आप जो सिलेक्ट करेंगे वही आपको दिया जाएगा। 6 आइटम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से मैं ये 2 ब्रेड ऑर्डर किया, एक ऑस्ट्रियन चीज ऑर्डर किया, हनी लिया, ये एक जैम है स्ट्रॉबेरी जैम, ये एक बटर है, फ्रूट जूस है, पानी का बोतल है, ये एक वाइन है लेकिन विद गैस। मतलब यहाँ पे 2 टाइप का चीज़ मिलता है, मैं जर्मनी में भी देखा, ऑस्ट्रिया में भी देखा और इस ट्रेन में भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे पानी भी 2 टाइप का मिलता है,
एक विद गैस एक विदाउट गैस। विदाउट गैस एकदम नॉर्मल पानी की तरह होता है और विद गैस जो होता है वो हम लोग का जो सोडा वाटर होता है सेम चीज है, एकदम सोडा वाटर को वो विद गैस कहते हैं। तो वाइन में भी यही चीज होता है, मुझे पता नहीं था, ये ट्रेन का जो क्रू है उन्होंने कहा कि ये वाइन विद गैस है। विद गैस वाइन कैसा होता है पीने में मुझे पता नहीं है, और इसे अगर खोल दिया तो मतलब और जोड़ नहीं पाएंगे, मतलब इसे पूरा ही खा पी लेना पड़ेगा। और फिलहाल तो मैं इसे नहीं खोलूंगा क्योंकि मुझे विद गैस पानी भी पसंद नहीं है, तो वाइन कैसा होगा। और यहाँ पे एक केचप है, तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट चालू करता हूँ दोस्तों। नजारा देखिए, आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज दोबारा ऑर्डर करना चाहते हैं तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको फ्री में भी दिया जाएगा, अगर उन लोग को उन लोग के पास अगर वो अवेलेबल होता है तो वो फ्री में दिया जाएगा। लेकिन ये 6 आइटम के अलावा अगर आप दूसरा किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो वो ब्रेकफास्ट मेनू में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि पर ऑर्डर में 1.40 यूरो लगता है। सोचिए कि मैं ये ब्रेड लिया हूँ, मुझे और एक स्लाइस ब्रेड चाहिए, तो मैं अगर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो इसके लिए मुझे कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, अगर उनके पास अवेलेबल है तो वो फ्री में ही दे देंगे। और अगर ये ब्रेड के अलावा मुझे ब्रेड, चीज़, बटर, जैम और हनी जूस, ये 6 चीज़ों के अलावा अगर मुझे सोचिए कि एक हैम चाहिए या सोचिए कि मुझे कोई योगर्ट चाहिए, तो मैं अगर ये ऑर्डर करता हूँ तो उसके लिए मुझे 1.40 यूरो पेमेंट करना पड़ेगा। यह है दो चीज, चीयर्स बड़ी। मेरा ट्रेन लेट था और ज़ुरिक पहुंचते पहुंचते करीब 12:30 हो गया था। ज़ुरिक स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं होटल लिया। जी हाँ, मैं स्विट्जरलैंड में होस्टल के बदले होटल लिया और मेरा होटल का नाम है सोरेल होटल रोटली। ये है कार्ड, इस होटल में ब्रेकफास्ट और वाईफाई फ्री है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 16 फरवरी है और मैं स्विट्जरलैंड में हूँ और मैं आज जा रहा हूँ माउंट टिटलिस। मैं स्विट्जरलैंड का माउंट टिटलिस से लेके दूसरे और भी कई जगहों पे गया था, जैसे कि लूजर्न, इंटरलेकन, ग्लिनरवेल एक्सेट्रा, बट सैड थिंग इज मैं आपको वो स्विट्जरलैंड का वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरा ऑलमोस्ट 90% वीडियो खराब हो गया था और जो वीडियो ठीक ठाक था उसको लेके मैं एक ठीक ठाक सा वीडियो नहीं बना सकता था और आपको भी देखने में वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं स्विट्जरलैंड का एपिसोड स्किप करने का सोचा। लेकिन घबराइए मत, जब मेरा 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा मैं स्विट्जरलैंड के ऊपर एक डिटेल्स गाइड वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा। मैं स्विट्जरलैंड से जा रहा हूँ इटली और मेरे इटली में पहला डेस्टिनेशन है मिलान।
और ज्यूरिख से मिलान जाने के लिए मैं सीनिक ट्रेन यानी बर्लिन एक्सप्रेस लिया था। ये ट्रेन का वीडियो तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर आप स्विट्जरलैंड से इटली जाते हैं तो इस ट्रेन का सवारी आप जरूर करें।